अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो आई होप आप सब ठीक ही होंगे। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आई मेकअप कैसे किया जाता है, किस चीज़ को क्या बोला जाता है और किस मेथड से किया जाता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इस एरिया को सबसे पहले, इस एरिया को बोला जाता है ब्रो बोन एरिया, और ये जो एरिया होता है जो मैं ब्रश की हेल्प से बता रही हूँ, इसे कहा जाता है आउटर क्रीज एरिया, और इस एरिया को कहा जाता है इनर क्रीज एरिया, और ये एरिया को कहा जाता है अपर लैश लाइन, और इस एरिया को कहा जाता है लोअर लैश लाइन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप नोट कर लीजिए किस एरिया को क्या बोला जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊंगी कि किस चीज़ को कहां पर कैसे लगाया जाता है, और ये जो मैं आपको ब्रश की हेल्प से बता रही हूँ, देखिए इस एरिया को कहा जाता है आई लिड एरिया, और ये जो कॉर्नर पर मैं ब्रश डाल रही हूँ उस एरिया को कहा जाता है टियर डस्ट एरिया, इसे कहा जाता है। इसे बताती हूँ, ये आउटर, ये इनर, ये ब्रो बोन, ये लैश लाइन, ये लोअर लैश लाइन और वो टियर डस्ट। सो ये ब्रो बोन एरिया पर हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं, और ये आउटर एरिया, आउटर क्रीज एरिया पर हम डार्क शेड अप्लाई करते हैं, और इनर क्रीज एरिया पर हम लाइट शेड अप्लाई करते हैं, और ये लिड एरिया पर हम आईलाइनर अप्लाई करते हैं, और वहाँ अंदर हम वाटर लाइन पर काजल या कुछ भी अप्लाई करते हैं, और ये जो होता है टियर डस्ट एरिया, इस पर भी हम हाइलाइटर ही अप्लाई करते हैं। सो अब मैं आपको मेकअप करके दिखाऊंगी, मैं मिक्सिंग मेथड आपको सब बताऊंगी, इससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इस एरिया पर कंसीलर अप्लाई किया है, पूरे अच्छे से मैं ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, और आपके पास कोई ऐसा ब्रश हो तो वो बहुत अच्छा होता है ब्लेंडिंग करने के लिए, तो मैं इसी से ब्लेंड करूँगी। अब पूरा हमें अच्छे से ब्लेंड करना है, एंड देन मैं थोड़ा सा लूज पाउडर अप्लाई करके मैं इसे सेट कर रही हूँ। इसके बाद आपके पास ऐसा फ्लफ़ी ब्रश होना चाहिए, देखिए मेरे पास दो टाइप के, आपके पास ऐसे ब्रश होने चाहिए। इसके बाद देखिए मैंने आउटर क्रीज एरिया पर डार्क शेड अप्लाई किया है, आप कोई भी दो शेड मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने दो मिक्स करके ही शेड अप्लाई किए हैं। अच्छे से मैं, देखिए ब्लेंडिंग मैं किस तरीके से कर रही हूँ आप वो देखिए, आपको भी इसी तरीके से ब्लेंडिंग करनी है, और सिर्फ इतने आउटर क्रीज एरिया पर ही अप्लाई करना है, एंड देन मैंने पूरे क्रीज एरिया पर लाइट शेड का आई शेडो अप्लाई किया है, आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ध्यान से देखिए, फिर से मैं डार्क शेड थोड़ा मैंने लिया है, एंड देन मैं आउटर क्रीज एरिया पर इस तरीके से ब्लेंडिंग करके अप्लाई कर रही हूँ। देखिए आपको बिल्कुल से भी बाहर नहीं ले जाना है और एकदम भी अंदर नहीं रखना है, आपको बिल्कुल इसी तरीके से, इसी मेथड से करना है। देखिए सबसे मेन इसमें ब्लेंडिंग ही होती है, आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। एंड देन अब मैंने देखिए इनर क्रीज एरिया पर एकदम हाइलाइटेड शेड अप्लाई किया है, एंड लाइट शेड अप्लाई किया है, आपको भी कोई भी लाइट शेड अप्लाई किया है, मैंने शिमरी सा शेड अप्लाई किया है इसमें, और आपको भी लाइट ही शेड अप्लाई करना है, उससे ही आई मेकअप अच्छा दिखता है। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ डार्क कर लिया वहाँ लाइट कर लिया तो वो नहीं प्रोफेशनल दिखता है, आपको इस तरीके से ही अप्लाई करना है। देखिए ये इनर क्रीज एरिया पर अप्लाई किया, एंड देन मैंने इस ऐसे ब्रश की हेल्प से पूरा डस्ट आउट किया है, जो भी एक्स्ट्रा पाउडर किया है उसे डस्ट आउट करना है आपको, एंड देन मैंने लोअर लैश एरिया पर भी सेम वही आई शेडो अप्लाई किए हैं, अच्छे से अप्लाई करना है। मैंने देखिए पहले थोड़ा ब्लैक और ब्राउन अप्लाई किया, उसके बाद वही जो मैंने अप्लाई किया था आई शेडो वही मैंने अप्लाई किया है। सो आई होप आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड देन अब देखिए टियर डस्ट एरिया पर मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, ये वाइट कलर का हाइलाइटर मैं
अप्लाई कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा लुक आता है, आँख बड़ी बड़ी लगती है, जिसकी भी आँख छोटी हो तो उस पर भी बहुत अच्छा लगता है। एंड देखिए ये ब्रोबोन एरिया है, ब्रोबोन एरिया पर भी हम हाइलाइटर ही अप्लाई करते हैं। देखिए वही मैंने सेम वाइट कलर का हाइलाइटर अप्लाई किया, देखिए कितनी उठी हो या आईब्रो लग रही हो, कितना अच्छा लुक आ रहा है, इसलिए हम अप्लाई करते हैं इस तरीके से। एंड देन अब मैंने लिया है लाइनर, लाइनर मैं अप्लाई कर रही हूँ अपर लैश लाइन पर। देखिए आपको इस तरीके से अप्लाई करना है, पहले एक लाइन बना देनी है एंड देन आपको पूरी आई पर अप्लाई करना है, पूरा मिलाते हुए जाते हुए अप्लाई करना है। ये विंग लाइनर है, ये विंग लाइनर हर लुक पर अच्छा लगता है, सो आपको भी इस तरीके से अप्लाई कर देना है अच्छे से। एंड देन मैं थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में।